श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाली हूँ, जिससे आपके जीवन में भी बदलाव आ जाएगा। शिव शंकर भगवान का दिन सोमवार का दिन है। यह दिन महादेव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। सोमवार के दिन हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे शंकर भगवान क्रोधित हो जाते हैं और हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो आज आपको मैं 5 गलतियां बताऊंगी जो आपको सोमवार के दिन नहीं करनी चाहिए। शिव पुराण में 5 गलतियां बताई गई हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती हैं, तो ये गलतियां आप भूल कर भी ना करें, नहीं तो जिंदगी में कितना भी पुण्य करोगे उसका फल आपको नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, शायद आपको ये जानकारी अच्छी लगे। शिव महापुराण में 5 गलतियां बताई गई हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। उनमें से पहली गलती है जो महिलाओं को कभी नहीं करनी चाहिए, वो है सोमवार को महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। चाहे आपने व्रत किया है या नहीं किया है, तब भी आपको बाल सोमवार के दिन नहीं धोने चाहिए, इससे दोष लगता है। दूसरी गलती है दोस्तों, सोमवार के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ना ही क्रोध करना चाहिए, किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमें गलत भी बोल रहा है तो हमें चुपचाप सुन लेना चाहिए, उसको जवाब नहीं देना चाहिए। जो शिव शंकर की पूजा करते हैं उन्हें कभी किसी को जवाब नहीं देना चाहिए, तभी शंकर भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, तीसरी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए सोमवार के दिन, वो है इस दिन हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सोमवार से एक दिन पहले ही हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि खाने में हमें लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, चौथी गलती है, आप मंदिर में गंगा जल चढ़ा रहे हैं, आप 1000 बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, आप मंदिर में बैठ गए हैं, दूसरे व्यक्ति दर्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप गंगा जल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया या पूजा नहीं करने दी, आप पुजारी जी से अपनी पूजा करवा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति पता नहीं किस भाव से भगवान शंकर की पूजा करना चाहता था, लेकिन पंडित जी के साथ आप पूजा करने में लगे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, उस व्यक्ति ने पूजा नहीं कर पाई। पहली गलती यही है, भगवान के भक्त को भगवान से अलग कर दिया। आप पूजा करें लेकिन दूसरे व्यक्ति को भी पूजा करने का अवसर दें। कभी भी भक्त भगवान की दूरी नहीं बनानी चाहिए। मंदिर में पूजा अलग बैठकर एक कोने में करें ताकि और भक्त पूजा कर सकें। भगवान से भक्त की दूरी भगवान सहन नहीं कर सकते हैं। जब भी अनुष्ठान करें तो कभी अहंकार ना करें, मन में श्रद्धा भाव रखें। तो दोस्तों, ये थी आपकी चौथी गलती। और पांचवी गलती है आपकी, आप भगवान को भोग लगा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और बाकी समय किसी जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। शिव महापुराण में कहा गया है, चाहे मंदिर में दिया मत जलाओ, भोग मत लगाओ, कुछ मत करो, पर किसी जीवात्मा को दुखी मत करो। शास्त्र कहता है, कुछ मत करो, बस किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना ही मंदिर में दिया जलाने के बराबर होता है। चाहे आप मंदिर में पूरी सब्जी मत बंटवाओ और कोई आपके कारण दुखी है तो ये पुण्य भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं और आपकी पूजा अर्चना भी स्वीकार नहीं करते हैं। और कभी भी गाय को ऐसे घर में दान नहीं करना चाहिए जहां खाने को कुछ भी नहीं होता है, तो उस घर में गौ माता दुखी रहेगी, भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी, तो बद्दुआ आपके खाते में ही आएगी। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, ये जो 5 गलतियां मैंने आपको बताई हैं, ये कभी भी हमें सोमवार के दिन नहीं करनी चाहिए। और हमें सोमवार के दिन जो भी हम पूजा अर्चना करें, जो भी हम भोले बाबा को अर्पित करें, जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, वो पूरी श्रद्धा और भाव के साथ अर्पित करना चाहिए, जिससे कि भोले बाबा हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।